हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड चल रही थी। यूनिट थर्ड में चैप्टर फर्स्ट चल रहा था अभी एल्केन। एल्केन में एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन कंप्लीट हो गया था, जिसमें एक लास्ट केमिकल रिएक्शन थी, हमने पढ़ी थी दहन, कॉम्बुशन। कॉम्बुशन के बाद एक केमिकल रिएक्शन और है, जो कि है एल्केन का मुक्त मूलक हेलोजनीकरण अभिक्रिया। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन यूनिट फर्स्ट में प्रॉपरली समझाई हुई है, तो ये आपको यूनिट फर्स्ट में से पढ़नी है। यूनिट फर्स्ट में इसका ज्यादा यूज है, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने यूनिट फर्स्ट में पढ़ाया हुआ है। आज स्टार्ट करते हैं हम अभिविन्यास, ओरिएंटेशन। अभी विन्यास या फिर ओरिएंटेशन, अभिविन्यास या ओरिएंटेशन क्या होता है? हमें कोई अभिक्रिया कंप्लीट करवानी है, जैसे हमने लिया ए प्लस बी और कोई प्रोडक्ट बना दिया, कोई प्रोडक्ट बना दिया। तो इस रिएक्शन के संपन्न होने के लिए, इस रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए आवश्यक शर्त, कुछ दो शर्तें होती हैं, जिसमें से पहली शर्त यह होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें जो अभिकारक अणु है, अभिकारक अणुओं के मध्य ऐसी टक्कर होनी चाहिए, ऐसी टक्कर होनी चाहिए जिससे पर्याप्त सक्रियण ऊर्जा प्राप्त हो, पर्याप्त सक्रियण ऊर्जा प्राप्त हो। सक्रियण ऊर्जा, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, इस तरह का कोई डायग्राम बनाया है, यहाँ अभिकारक है, उत्पाद बन रहा है, अभिकारक से उत्पाद को बदलने के लिए उत्पाद में बदलने के लिए इतनी सक्रियण ऊर्जा पार करके, इस ऊर्जा स्तर को पार करके उत्पाद में बदलना होता है, उसी सक्रियण ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ये क्या होती है, ये तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो हमें अभिकारक अणुओं के मध्य ऐसी जो अभिकारक अणु है, रिएक्टेंट है, जो ए और बी, इसमें अभिकारक क्या है, ए और बी, रिएक्टेंट के मध्य ऐसी टक्कर होनी चाहिए जिससे पर्याप्त सक्रियण ऊर्जा प्राप्त हो, और सक्रियण ऊर्जा प्राप्त होगी तो हमें प्रोडक्ट बनने की संभावना क्या होगी, ज्यादा होगी। पहली शर्त तो ये होगी। दूसरी है कि अणु सही दिशा में अभिविन्यासित, ओरिएंट, अभिविन्यासित होने चाहिए, उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए जिससे अभिक्रिया आसानी से हो। ओरिएंटेशन से मतलब क्या है, जैसे हमने मैथेन लिया CH4, मैथेन, तो मैं CH4 को लिख रही हूँ CH3 और इससे एक H यहाँ जुड़ा हुआ है, यह CH4। मैथेन की क्लोरीनीकरण अभिक्रिया में, जैसे ही हमने इसकी Cl2 क्लोरीनीकरण अभिक्रिया करवाई, Cl2 से अभिक्रिया करवाई, मैथेन की क्लोरीनीकरण अभिक्रिया में अणु इस प्रकार से अभिविन्यासित होने चाहिए कि तेजी से आने वाला जो क्लोरीन है, तेजी से आने वाला जो क्लोरीन है, क्लोरीन परमाणु अपने सामने स्थित मैथेन से हाइड्रोजन को निकाले और जल्दी से HCl के रूप में निकल जाए। तो क्या बनेगा इसमें प्रोडक्ट, CH3Cl+HCl। तो हो गया मैथेन का क्लोरीनीकरण। तो इस क्लोरीनीकरण में Cl के जुड़ने के लिए इस मैथेन और इस क्लोरीन का अभिविन्यास ऐसा होना चाहिए, इस तरह से ओरिएंटेड होने चाहिए जिससे इजीली H और Cl निकल सके, HCl के निकलने की संभावना बहुत ज्यादा हो। तो मैथेन के हाइड्रोजन परमाणु HCl के निकलने की संभावना ज्यादा हो, इस अभिक्रिया में अगर हम
अनुमान लगाए जाए तो फर्स्ट के लिए ये होता है टक्कर जरूरी है, तो 40 टक्करों में से केवल एक टक्कर ऐसी होती है जिसे पर्याप्त सक्रियण ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे पर्याप्त सक्रियण ऊर्जा प्राप्त होती है। कोई भी अणु है, देखो दोबारा देखते हैं, जैसे ये कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए क्या है, ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इन दोनों के रिएक्शन होने की संभावना, प्रोडक्ट बनने की संभावना कितनी है, कैसे है, उसके लिए दो शर्तें। पहला ये है कि इन दोनों में टक्कर होनी चाहिए और इन दोनों में टक्करों से इतनी ऊर्जा मिलनी चाहिए कि उस ऊर्जा स्तर को प्राप्त करके उत्पाद मिल जाए। तो 40 टक्करों में से केवल एक टक्कर ही ऐसी होती है जिसमें सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है और प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है। तो 40 में से एक बहुत कम वैल्यू है, बहुत कम संभावना होती है। इसी तरह दूसरा ओरिएंटेशन के लिए, अभिविन्यास के लिए, अणु सही दिशा में अभिविन्यासित होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको CH3H, CH4 और Cl2 क्लोरीनीकरण करवाया, तो उस अभिक्रिया में HCl कब निकलेगा, जब मैथेन का और Cl2 का अभिविन्यास क्या हो, अच्छी प्रकार हो। तो इसमें भी प्रति 8 टक्करों में से एक टक्कर ऐसी होती है जिसमें अभिविन्यास सही होता है। अभिविन्यास कैसा होता है, जैसा चाहिए वैसा होता है। तो आपको याद रखनी है ये वैल्यू कि 40 टक्करों में से एक टक्कर ऐसी होती है जिसमें सक्रियण ऊर्जा के बराबर एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं रिएक्टेंट, और 8 टक्करों में से एक टक्कर ऐसी होती है जिसमें अभिविन्यास सही होता है। तो ये वैल्यू बहुत कम है। तो 40 टक्करों में से एक और 8 टक्करों में से एक, अगर ये पॉसिबिलिटी है तो उस कंडीशन में हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, तब हमारे लिए प्रोडक्ट बनना पॉसिबल होता है। तो हमने टॉपिक पढ़ा अभिविन्यास। अभिविन्यास में हमें मेन ये याद रखना है कि दो अणु जब अभिक्रिया कर रहे हैं या फिर दो रिएक्टेंट जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बनाने के लिए उनका अभिविन्यास इस प्रकार से होना चाहिए कि वो आसानी से उप उत्पाद सब प्रोडक्ट को निकाल दें और इजीली से प्रोडक्ट बना पाए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद मैथेन के क्लोरीनीकरण की हमने बात की थी। मैथेन के क्लोरीनीकरण की बात कर रहे थे, करण की बात कर रहे थे। तो मैथेन के क्लोरीनीकरण को के ऊर्जा आरेख को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। किस तरह से ड्रॉ करते हैं, हम देखो ये है मैथेन के लिए हम ऊर्जा आरेख बना रहे हैं। इसमें ये है रिएक्टेंट के लिए, ये है प्रोडक्ट के लिए एनर्जी लेवल। यहां से इस एनर्जी लेवल को पार करके प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीनीकरण में क्या होता है, CH3H ऐसे लिखा था, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, CH4 प्लस Cl2 यही आएगा। तो ये तो रिएक्टेंट हो गए, तो यहां पर रिएक्टेंट ही आएंगे, रिएक्टेंट लिखते हैं हम, तो क्या आएगा, CH4 प्लस Cl2। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन रहा था, प्रोडक्ट क्या था, CH3Cl प्लस HCl। तो प्रोडक्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, CH3Cl प्लस HCl, ये लिख दिया। कितनी सक्रियण ऊर्जा चाहिए इसके लिए, हम प्रोडक्ट के बेसिस पर देखते हैं सक्रियण ऊर्जा का स्तर, प्रोडक्ट नहीं सॉरी रिएक्टेंट। तो ये ऊर्जा स्तर है वो किसके बराबर है, EA एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, जिसकी वैल्यू 4 किलो कैलोरी बताई गई है। ठीक है, तो ये इसका। और एक बात और, अगर हम इन दोनों एनर्जी लेवल के मध्य डिस्टेंस देखें,
तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा से। तो ये हो गया मेथेन के क्लोरीनीकरण के लिए ग्राफ। अगर इसमें हम अभिक्रिया की बात करें, ये ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा क्षेपी है, तो ये कैसी अभिक्रिया है? उत्पाद बनने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए, मतलब ये रिएक्टेंट का है और यहां पर क्या आ रहा है, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का ग्राफ आ रहा है, मतलब इतनी एनर्जी प्रोडक्ट के लिए चाहिए। तो ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक है। इसीलिए इसे डेल्टा एच से प्रदर्शित किया, इतना एनर्जी क्या है, डेल्टा एच ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें, ओके। अब देखो, अब इसी ग्राफ को हमें दो स्टेप में देखना है। दो स्टेप में कैसे देखना है? फर्स्ट स्टेप में देखना है क्या, सबसे फर्स्ट दो स्टेप में देखने का मतलब है हम इसकी मैकेनिज्म समझेंगे, मैकेनिज्म में क्या होगा, अणु टूटेंगे, अणु के बीच के बंध टूटेगा, नया बॉन्ड फॉर्म होगा, तो वो कैसे होगा वो देखना है। सबसे पहले क्या होगा, क्लोरीन अणु का समास बंध विखंडन होगा, तो हम लेते हैं सबसे फर्स्ट क्या होगा, क्लोरीन Cl2, तो Cl2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ClCl, इसका समांस बंध विखंडन होगा। समांस बंध विखंडन में क्या होता है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन किसी एक पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पर जाएगा, तो समांस बंध विखंडन से जो उत्पाद बनेगा वो कैसा होगा, Cl+Cl मुक्त मूलक, क्या बने हैं, फ्री रेडिकल हमें प्राप्त हो गए, Cl मुक्त मूलक हमें प्राप्त हो गए। इसकी ऊर्जा अवस्था, अब हमें इस, ये जो हमने रिएक्शन लिखी है इसके लिए भी इसी तरह का एक ग्राफ बनाना है। ये तो टोटल जो रिएक्शन हुआ है उसका ग्राफ हो गया, अब हमें इसके लिए ग्राफ बनाना है जो हमने रिएक्शन लिखी है। तो क्या होता है, इसके लिए ग्राफ फॉर्म करते हैं, देखो ये है Cl2 के लिए, Cl2, ठीक है। Cl2 को जैसे ही हमने एनर्जी दी, जैसे ही इतनी एनर्जी मिलेगी, कितनी, इतनी एनर्जी मिलेगी, सक्रियण ऊर्जा के बराबर एनर्जी मिलेगी या फिर हीट मिलेगी, तो हम लिख सकते हैं Ea बराबर डेल्टा एच बराबर होती है, इसकी वैल्यू दी हुई है 58 किलो कैलोरी, ठीक है। तो यहां पर आके ये Cl मुक्त मूलक में टूट जाएगा, आपको पता है बिना एनर्जी के तो ये मुक्त मूलक में नहीं टूट सकता, फ्री रेडिकल नहीं बना सकता, क्या देनी पड़ेगी हमें, एनर्जी देनी पड़ेगी, यूवी रेज देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो हीट के बराबर ही होती है, Ea बराबर डेल्टा एच बराबर क्या हो गया, 58 किलो कैलोरी, ठीक है। यहां पर हम लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया, जब समांस बंध विखंडन से हमें क्या मिल गए, क्लोरीन मुक्त मूलक मिल गए हैं या फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल हमें प्राप्त हो गए हैं, तो इस आरेख से क्या स्पष्ट होता है, इस आरेख से स्पष्ट होता है कि जिन अभिक्रियाओं में समांस बंध विखंडन होता है, कौन सा बंध विखंडन हुआ है इसमें, जिन अभिक्रियाओं में समांस बंध विखंडन द्वारा मुक्त मूलक बनते हैं लेकिन कोई न्यू बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुई है, न्यू बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, उन अभिक्रियाओं के लिए सक्रिय ऊर्जा तथा अभिक्रिया ऊष्मा क्या दिख रहा है, Ea, ये देखो Ea और डेल्टा एच दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो उनके लिए Ea सक्रिय ऊर्जा तथा अभिक्रिया ऊष्मा दोनों की वैल्यू बराबर होती है। इसके विपरीत यदि मुक्त मूलक आपस में अभिक्रिया करके बंध बनाए, अगर हम इस अभिक्रिया को उल्टा करें जिसमें मुक्त मूलक आपस में अभिक्रिया करके बंध बनाएंगे, तो देखो उसका भी डायग्राम बनाते हैं। देखो अब हम कौन सी क्या ले रहे हैं अभिक्रिया, जिसमें Cl मुक्त मूलक जुड़ रहे हैं और Cl मुक्त मूलक के जुड़ने से क्या बन रहा है, Cl2। तो Cl मुक्त मूलक के बनने के लिए तो हमें ऊर्जा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, एनर्जी हमें चाहिए थी, एनर्जी ज्यादा चाहिए थी, लेकिन जब ये दोनों जुड़ेंगे तो एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी
तो इसके लिए डिक्रीज होगी, तो क्या होगा, ये देखो डायग्राम बनेगा जिसमें इस पोजीशन पे तो सीएल मुक्त मूलक बन चुके थे, सीएल मुक्त मूलक प्लस सीएल मुक्त मूलक, और जब हम सीएल टू दोबारा बनाएंगे तो सीएल टू बनने में दोबारा से एनर्जी घटेगी, और एनर्जी घट के अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, सीएल टू। उस कंडीशन में यहां से यहां तक अब हमें सक्रियण, ईए की अगर बात करें सक्रियण ऊर्जा, तो आप खुद ही इसे समझ सकते हैं कि इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें सक्रियण ऊर्जा कब चाहिए होती है, जब अणुओं के मध्य टक्कर होती है और सक्रियण ऊर्जा के स्तर को पार करके हमें उत्पाद बनाना पड़ता है। अब सक्रियण ऊर्जा के स्तर पे तो क्लोरीन मुक्त मूलक ऑलरेडी ही उपस्थित है, तो अब हमें सक्रियण ऊर्जा तो चाहिए नहीं है, तो उस कंडीशन में सक्रियण ऊर्जा तो क्या हो गई, जीरो। लेकिन जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 58 किलो कैलोरी। तो ये पीई पोटेंशियल एनर्जी, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो जब हम दोनों को समराइज करते हैं, फर्स्ट है जब सीएल मुक्त मूलक टूटता है सीएल प्लस सीएल मुक्त मूलक में, तो उस कंडीशन में ईए इज इक्वल्स टू डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 58 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। जब दूसरा है, जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो उस कंडीशन में हमें सक्रियण ऊर्जा नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में सक्रियण ऊर्जा जीरो हो जाती है और डेल्टा एच की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 58 किलो कैलोरी के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन खत्म हो गया है। ओरिएंटेशन में सिर्फ ये याद रखना है, सबसे मेन पॉइंट दो शर्तें थी। पहली शर्त थी कि टक्कर ऐसी होनी चाहिए जिससे ये सक्रियण ऊर्जा के बराबर एनर्जी प्राप्त हो। शर्त थी, तो फर्स्ट शर्त क्या थी, ईए की टक्कर ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि ईए के बराबर एनर्जी प्राप्त हो, तो 40 टक्करों में से एक टक्कर ऐसी होती है जिसमें ऐसा होता है। दूसरी शर्त थी ओरिएंटेशन अभिविन्यास ऐसा होना चाहिए जिससे आसानी से जो उपउत्पाद निकल रहा है, सब प्रोडक्ट निकलेगा, वो इजीली निकल जाए, तो 8 टक्करों में से केवल एक टक्कर ऐसी होती है जिसमें अभिविन्यास बिल्कुल सही होता है, जिससे अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो सके। तो यहाँ पे अभिविन्यास का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रियाशीलता 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 शीलता एवं वर्णात्मकता। ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, इसके लिए पूरी एक क्लास चाहिए, एक क्लास में जाके कंप्लीट होगा, इसीलिए से हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को हम यही स्टॉप करते हैं, आज की क्लास थोड़ी छोटी है और ये इस टॉपिक को हम कल ही कंटिन्यू करते हैं। ओके।